खबर शामिल करते हैं चंडोलिया से, जहां सिंध हुकूमत की जानिब से निकासी आप के लिए बनाए गए नाले के इफ्तिताह से पहले ही टूट फूट का शिकार हो गया। नाले से उबलते गंदे पानी ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। चंडोलिया के मकामी इंतजामिया ने अवामी मसाइल से आंखें फेर ली। अरे जो ये पीछे जो जा रही है मेन चारा हैदराबाद रोड की, इसकी हालत ये है कि आप खुद देख सकते हो कि इसकी हालत क्या है। हमारा कारोबार डिस्टर्ब हुआ पड़ा है पूरा का पूरा। ये बल्दिया की नाली है जिसकी वजह से जो है कि हमने अपना कारोबार जो है कि बंद किया हुआ है। ना हम अपना कारोबार कर सकते हैं, ना कोई बंदा नमाज पढ़ने जा सकता है। बुजुर्ग लेडीज़ बच्चे परेशान होते हैं यहाँ पर। ऐसी हालत है कि बंदा जो है कि घर से कल्ला ना करे, कोई इमरजेंसी होती है, कोई हादसा होता है तो उसके कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी है बल्दिया है, जो के 70 करोड़ रुपये का जो बंदा ये कहा था, कहते हैं कि 70 करोड़ रुपये का इसके ऊपर बजट लगाया गया। आप 70 करोड़ आप मुझे दिखाएं कहाँ पर है 70 करोड़ रुपये। भाईजान ये देखो, अभी आप थोड़ा सा कैमरामैन ये देखो, ट्राली ट्रैक्टर, कल एक ट्रक बड़ा कल्टी होते होते बचा है, ट्रैक्टर ट्रालियों से उसको जो है ना निकाला है। इतनी तकलीफ है हम लोगों को, इस इलाके वालों को, अगर ये दिखा सकें भाई तो देखो, ट्रैक्टर ट्रालियाँ ट्रक एक कल्टी होते होते बचा है। कल हमारी ये दरख्वास्त है कि हमको ये तकलीफ़ है और जो है ना बहुत हमारा काम इधर डिस्टर्ब हो रहा है। लेडीज़ बच्चे फैमिली नमाजी हमारे बुजुर्ग बच्चे मदरसे पढ़ने वाले सबको परेशानी है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए सेवरेज नाले का इफ्तिताह होने से पहले ही इंतजामिया को मुंह चुड़ाने लगा। शहर की मसरूफ तरीन शहरा हैदराबाद रोड पर नाला सड़कों पर निकल आया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है।